अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना दारुदसर हूँ और आज हम 500 गज के प्लॉट के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। बहरिया टाउन में 500 गज के रिहायशी प्लॉट्स की डिमांड हमेशा रही है और डिस्कस भी होते रहे हैं। 250 स्क्वायर यार्ड से जो लोग सेटिस्फाई नहीं होते वो लोग फिर 500 गज के ऑप्शन की तरफ आते हैं, क्योंकि 250 यार्ड के प्लॉट्स की कीमतें जितनी बढ़ चुकी हैं उसके कंपेरिजन में बहुत सारे दोस्त इस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं कि हम 500 गज का रिहायशी प्लॉट परचेज करें और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या कंस्ट्रक्शन करने में जब कवर्ड एरिया ज़्यादा होगा तो ये ऑब्वियस बात है उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेकिन इस चीज़ से बालातर होकर जो लोग 250 यार्ड्स का महंगा प्लॉट नहीं परचेज करना चाहते वो 500 का रीजनेबल प्राइस का या कह लें कम कीमत का प्लॉट परचेज कर सकते हैं। सबसे कम कीमत के 500 गज के जो प्लॉट हैं रिहायशी प्लॉट वो आपको प्रीसिंक्ट 33 में इस वक्त मिल रहे हैं, जहाँ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इवन घरों की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, शॉपिंग गैलरी भी बन गई है। इसके अलावा प्रीसिंक्ट 37 का एरिया जहाँ आईफिल टावर बना हुआ है, आज हम कोशिश करते हैं क्योंकि लास्ट टाइम सिक्योरिटी ने कुछ बैरियर्स वगैरह लगाए हुए थे, उस एरिया पे विजिट करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि वो एरिया भी आपको विजिट करवाऊँ और इस तरफ भी हम लोग निकलें। इसके अलावा प्रीसिंक्ट 36 जो स्पोर्ट्स सिटी विलास के बिल्कुल सामने प्रीसिंक्ट है, इस प्रीसिंक्ट की पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस इसलिए मैं ज़्यादा समझता हूँ कि यहाँ पे मुनासिब कीमत में आपको 500 गज के ऑप्शंस मिल जाते हैं। हालांकि तादाद में बहुत कम ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपको यानी रीजनेबल प्राइस में मिल सकते हैं। और थोड़े बहुत प्लॉट का यहाँ पे तादाद 1000 गज के प्लॉट्स की भी है, लेकिन ज़्यादा जो है वो 500 गज के रिहायशी प्लॉट्स के। इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिस तरह प्रीसिंक्ट 29 है, प्रीसिंक्ट 27A है या बहरिया गॉल्फ सिटी है, लेकिन यहाँ पे कीमतें ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। कम कीमत के प्लॉट्स लेने के लिए आपको स्पोर्ट सिटी के इस एरिया में ही मूव करना पड़ेगा या रफी क्रिकेट स्टेडियम के सराउंडिंग में लेना पड़ेगा। इस पूरे एरिया को अगर जियोग्राफिकली थोड़ा सा आप समझ लें, यहाँ के डायनामिक्स को समझ लें, तो आई बिलीव कि आप वही फैसला करेंगे जो मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई टू परचेज प्लॉट ओवर दिस लोकेशन। क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे मास्टरपीस, ऐसे शाहकार मौजूद हैं, खासकर रफी क्रिकेट स्टेडियम की शक्ल में, आईफिल टावर की शक्ल में, मेन चेन्नई एवेन्यू से अप्रोच बहुत अच्छी है, और इसके अलावा स्पोर्ट सिटी विलास जो काबिल तारीफ और रिकमेंडेड भी हैं, ये इसी एरिया में मौजूद हैं। तो यहीं से आप ये समझ लें कि यहाँ से आपको बहरिया ग्रीन्स का एरिया भी करीब पड़ता है, और बहरिया ग्रीन्स की तरफ से जब बहरिया टाउन के ऑल्टरनेट रूट्स यानी दूसरे तीसरे गेट्स निकलेंगे तो बहरिया स्पोर्ट सिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रो करना शुरू कर देगा। इनकी कीमतें भी बढ़ेंगी और यहाँ पर आबादी भी जल्दी होगी, क्योंकि ये बहरिया टाउन का सेंटर कंसीडर होगा। तो लिहाजा इस एरिया को समझने के लिए आप एक तो मैप स्टडी करें और दूसरा आप लोग हमारी ये यूट्यूब पे मल्टीपल और वीडियोस हैं या मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग वीडियोस दे रहे हैं, आप उनका एनालिसिस भी देखें, वो लोग क्या कहते हैं इस एरिया के बारे में। और फिर सबसे आखिरी और अहम चीज़ कि आप लोग ऑन साइट विजिट लाजमी करें। ये विजिट करना आपका रहेगा नहीं जाएगा, आई बिलीव कि आप इन चीज़ों पे जब ऑन साइट आके देखेंगे परखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके हक में बेहतर होंगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।